हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं नवीन भाई का यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद नवीन। सो हे गाइस, कैसे का मंडली, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग विद नवीन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पानेरा, क्योंकि ये वलसाड़ में, जैसे आप लोगों को मालूम है, मैं कुछ छः सात महीनों से वलसाड़ में रह रहा हूँ। वलसाड़ में ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, तीथल देखा है लेकिन उसका शूट नहीं किया, तो शूट करके आपको दिखाएंगे जल्दी। तो फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं पानेरा, जाके अभी हम लोग खड़े हैं। आइए पूरा का पूरा ब्लॉग दिखाते हैं, साथ में पूरी जर्नी दिखाएंगे। जर्नी चालू हो गई पानेरा की, भी निकलते हैं। आज पानेरा की ट्रिप पे हमारा साथ देने वाले हैं अंकित भाई और नरेश भाई आए तो बोलो भाई। नहीं, जनता देख रही है। अब वो दिलीप भाई का तो पहचानते हो गया, सबसे पहला वीडियो तो इन्हीं से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए हमारे घोड़े और घोड़ी दोनों पे चलते हैं फटाफट। हम लोग पहुंच गए पानेरा के गेट पे, बाइक हम लोग ने यहाँ पे पार कर दी है, चलते हैं। ये मुंबई में भी ऐसी जीवदानी जैसा ही है पानेरा। देखिए भगवान के यहाँ पे भी लॉकडाउन का असर है, भगवान भी लॉकडाउन हो चुके हैं। राजू भाई सही बोले गलत बोले? अगर विरार में झूला नहीं गए हो तो जरूर जाके आइए, आपको बिल्कुल ऐसा ही एहसास होगा। देखिए लॉकडाउन है, कोई है नहीं। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग कह रहे हो गए कि नवीन भाई तुम भगवान में विश्वास नहीं रखते, फिर भी यहाँ पे क्यों आया। भाई इंडिया की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, देखने आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भरोसा नहीं है किसी पर, कुछ बस यकीन नहीं है तो नहीं है, अभी क्या करें। आपको किस काम का नहीं है के वजह से नहीं भाग पाया। यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंचे अभी, और इसी में हालत बेकार हो गया। आज के विनर बख्शीश में एक लोटा पानी। छोटी सी विश्रांति के बाद हम लोग फिर से चल पड़े अपने सफर की तरफ। धूप भी बहुत बढ़िया है, धूप ऐसी ऐसी अभी जैसे हरियाली बहुत बढ़िया है।
चली है, बारिश का सीजन है, लेकिन बारिश नहीं है। हम लोग सोचे थे बारिश आएगी, सुबह बारिश के आसार दिख रहे थे। यहाँ पे अंधेरा आ रहा है, यहाँ पे सही है। सुबह बारिश के आसार दिख रहे थे लेकिन अभी कोई आसार दिख नहीं रहा है। इतना चल गया है भाई, वेट ज़्यादा ना मेरा, इसलिए रेसिंग में भी हार गया। विनर अपने गॉगल्स देख रहे हैं, फुल एटीट्यूड के साथ लेना, इसलिए देखिए दो दो गॉगल लगा के विनर। कुछ कहना चाह रहे भाई साहब, आप जीते तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है हमारे तरफ से आपको एक बख्शिश, वड़ा पाव शायद चालू होगा तो 4 बजे सब बंद हो रहा है बलसाड में, तो शायद चालू हो तो मिलेगा वड़ा पाव। ओके भाई, नहीं मिले बोलने दीजिए भाई साहब। अच्छा बोलिए नवीन भाई, सोचते बहुत बारिश की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी ये बोले जा रहे हैं कि बारिश होने वाली थी भाई, होने वाली थी बारिश। झूठ लग रहा हो तो नरेश भाई को पूछ लीजिए, क्या बोल रहे हैं नरेश भाई? नरेश भाई सच बोले, इस तरफ थोड़ी लाइट आ रही है इसलिए। सुबह बारिश के आसार थे कि नहीं? सुबह में ऐसा बारिश गिरने की संभावना तो थी लेकिन अभी बारिश, न्यूज चैनल नहीं है भाई साहब, बारिश बिल्कुल चली गई है। अभी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, नहीं दिख रही है। कबीर सिंह, कबीर सिंह भाई, हाँ भाई है ना भाई, कबीर सिंह लगते है कि नहीं भाई? डिड्डू कमेंट करो भाई। दरगाह की सीटियाँ शुरू हो गई है, ये तो ऊपर चंडी का माता का मंदिर है, शंकर भगवान और दरगाह। ऊपर आने के बाद का नज़ारा देख लीजिए, इतनी जद्दोजहद जो हमने की है वो इस मंदिर के लिए। ये है बाबा भोले रामेश्वर महादेव मंदिर, ये बैठने के लिए जगह है और ऊपर जाने के लिए है ये सीढ़ियाँ, जहाँ पे अभी अपन चढ़े नहीं है, अपन यहाँ से आए। ये शायद दूसरा रास्ता है और ये रहा वो मंदिर जिसकी हमें तलाश थी। नरेश भाई सही बोले, और यहाँ पे शायद हवन करेंगे, हवन क्या कह रहा, सॉरी यहाँ पे शायद हवन करेंगे, हवन करेंगे। एक रास्ता ऊपर जाना है, पानी पिवानू। वाव ये नजारा देखना है, यहाँ पे जरूर आइए, लाखों देखे भी नहीं मिलेगा भाई। बैठने के लिए चेयर भी है, ओह अफसोस।
आते इस नज़ारे की तरफ। To harmony when the world is sound asleep, something's gonna bring.